Hello students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class of MCQ. Pile achi amo jo shiksha achi education ro gote practice set ame dekhiba. Thik achi to tumme mane jodi nua re dekhucho channel tare arts aur science ro sobu prakar video dekhiba pai 2021 board exam pai subscribe kar dio aur pakhare bell notification button thibo taku dabai dio phalare जहाँ भी वीडियो अपलोड हो तुम संगे संगे तार नोटिफिकेशन टा पाई ताहले विलंब करिबा नै आरंभ करिबा वेरी सिमिलर टेस्ट प्रथम टाइटा तो देखिबा प्रथम प्रश्न अछि केउ मुशिया सुधा 6 रु 14 वर्षर समस्त पिलांकु अवैतनिक ओ बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करिवा पई भारतीय संविधान रो 45 धारा रे निर्देश थिला ऑप्शन गुड़ी कहला 1955, 1960, 1965 एवं 1986 ताहले को धारा अनुसार एटा निर्देश थिला रे पिले धारा नंबर जो धारा रो 1960 मुसेरे जो 45 नंबर धारा तयार हेतिला सेई धारा रे एई निर्देश थिला आ दुई नंबर प्रश्न देखिबा एबे एमिली पुस्तकटी के रचना करथिले ऑप्शन गुड़ी कहला महात्मा गांधी बी जॉन ड्री सी अरविंद डी रूसो ताहले एमिली पुस्तक रचयिता किए एमिली पुस्तक रचयिता होचंदे रूसो डी टा होची ठीक उत्तर 3 नंबर प्रश्न सत्य प्रेम सहित आउ केउटी गांधीजींको जीवनर निदर्शन दर्शनर मूलमंत्र थिला ए अहिंसा बी हिंसा सी माया डी समर्पण ताहले कोटा थिला सत्य प्रेम ओ अहिंसा ताहले ए टा होची ठीक उत्तर 4 नंबर प्रश्न अबे देखि पापिले हमें लक्ष्य हासिल दिगरे निम्नलिखित मध्यरु केउटी व्यक्ति को क्रियाशील कराई थाए ए स्मृति बी अभिप्रेरणा सी विस्तुति डी मनोजग 4 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर होउची अभिप्रेरणा लक्ष्य हासिल दिगरे अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्रियाशील कराई थाए 5 नंबर प्रश्न अबे देखिबा तमन को पई मोबाइल स्क्रीन ऊपर अछि कोणसी वितरणर क्षुद्रतम ओ बृहत्तम लब्धांक मध्यरे थिबा व्यवधान को वितरणर कोण कहा जाय ए सीमा बी श्रेणी सी लक्ष्य डी स्थिति ताले कोण कहा जाय पिले हां ताकू लक्ष्य कहा जाय ताले सीटा होची ठीक उत्तर 6 नंबर प्रश्न जीवन नैपुण्य शिक्षा कहिले मनुष्य जीवनर केउ विभवर समाहार को बुझाए ए दक्षता बी सुगुण सी दुर्गुण डी भलो भावना ताहेले ठीक उत्तर होउची जीवन नैपुण्य शिक्षा कहिले मनुष्य जीवनर दक्षता समाहार को बुझाए एटा होउची ठीक उत्तर वर्तमान देखिबा में 7 नंबर प्रश्न पिले 7 नंबर प्रश्न वर्तमान तुम पाए मोबाइल स्क्रीन ऊपर अछि समन्वित परिवेश शिक्षा प्राथमिक स्तरर केउ श्रेणी पई उद्दिष्ट अटे ए प्रथम और द्वितीय श्रेणी बी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सी षष्ठ और सप्तम श्रेणी डी पंचम और षष्ठ श्रेणी ताहले प्राथमिक केउ स्तर पई उद्दिष्ट एटा समन्वित परिवेश शिक्षा हां ठीक उत्तर होची प्रथम और द्वितीय श्रेणी पई उद्दिष्ट 8 नंबर प्रश्न परिवेश प्रति सचेतनता वृद्धि पई केउ दिवस पालन करा जाय थाए ऑप्शन गुडी कहला विश्व वन दिवस स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस जातीय संघति दिवस ताहले परिवेश प्रति सचेतनता वृद्धि पई विश्व वन दिवस पालन करा जाय थाए एटा होची ठीक उत्तर 9 नंबर प्रश्न प्रकृति को फेरी चलो एही स्लोगन कहार थिला ऑप्शन गुडी कहला जॉन ड्यूल रुशो गांधीजी अरविंद ताहले 9 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर होची प्रकृति को फेरी चलो एही स्लोगन ऋषंकर थिला बी टा होची ठीक उत्तर 10 नंबर प्रश्न एबे देखिबा में पाइलोविंग को परीक्षा रे मांसरो उपस्थिति रे कुकुर पाटी रो लाळ निर्गत हेबा पई प्रति केउ प्रतिक्रिया अटे ए प्राकृतिक प्रतिक्रिया बी कृत्रिम प्रतिक्रिया सी अनुबंधित प्रतिक्रिया डी अनुबंधित प्रतिक्रिया ताहले 10 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर होची एटा एको प्राकृतिक प्रक्रिया एटा होची ठीक उत्तर 11 नंबर प्रश्न बे देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी गांधीजींका
नई तालीम शिक्षा व्यवस्था पर प्रजोज्य नुहे। ए उत्पादनधर्मी, बी कर्मकेंद्रिक, सी धंदाभित्तिक, डी पाठ्य खसड़ा विहीन। ताहले 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ पाठ्य खसड़ा विहीन, डीटा हूँ ठीक उत्तर। 12 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त केउटी गांधीजी को मौलिक शिक्षा पर मार्गदर्शन कराई नथिला। ए साबरमती आश्रम कार्यक्रम, बी टॉलस्टॉय फार्म अभिज्ञता, सी सेवाग्राम कार्यक्रम, डी आईन अमान्य आंदोलन। ताहले ठीक उत्तर हूँ डी आईन अमान्य आंदोलन। 13 नंबर प्रश्न देखिबा आमे, महात्मा गांधी केउ मसीहारे मागणा एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षार प्रचलन करथिले। ऑप्शन गुड़िक होला 1937, 1942, 1931, 1933। ताहले 13 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कोटा, महात्मा गांधी 1937 मसीहारे मागणा एवं बाध्यतामूलक प्राथमिक शिक्षार प्रचलन करथिले, एटा होची ठीक उत्तर। 14 नंबर प्रश्न, निम्नोक्त क्यों शिक्षाविदंकर धंदामूलक शिक्षा उपरे आस्था थिला। ए महात्मा गांधी, बी गोपबंधु, सी सी अरविंद, डी रवींद्रनाथ। ताले ठीक उत्तर होची महात्मा गांधी, ए होची ठीक उत्तर। 15 नंबर प्रश्न, जणे पिला तार पितामाता बा साथी बळंक सम्मति हासिल पई आग्रह प्रकाश कले ताहाकू क्यों पुनर्बलन कह जाए। ए बाह्य, बी आभ्यंतरीण, सी काल्पनिक, डी आवेगात्मक। ताहले ठीक उत्तर कौन कह पाता बाह्य, बाह्य पुनर्बलन कहुए, ए होची ठीक उत्तर। 16 नंबर प्रश्न, मौलिक शिक्षा रे गांधीजी क्यों शिक्षा उपरे गुरुत्व देथिले। ए समाज केंद्रिक शिक्षा, बी धंदा केंद्रिक शिक्षा, सी पुस्तक केंद्रिक शिक्षा, डी ज्ञान केंद्रिक शिक्षा। चारिटा होची ऑप्शन। ताहले 16 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची गांधीजी धंदा केंद्रिक शिक्षा उपरे गुरुत्व देथिले, बीटा होची ठीक उत्तर। 17 नंबर प्रश्न देखिबा एबे, निम्नलिखित मध्यरु केउ शिक्षण तत्व आधार रे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ीभूत हुए। ऑप्शन गुड़िक हला प्राचीन अनुबंधन, बी रजत्न प्रमोद लक्षण, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, डी अंतर्दृष्टि शिक्षण। ताहले 17 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर है प्रजत्न प्रमोद लक्षण, बीटा होची ठीक उत्तर। 18 नंबर प्रश्न, आचरणगत परिवर्तन को कौन कह जाए, शिक्षण परिपक्वता अभिप्रेरणा पुनर्बलन। ताहले कौन कह जाए आचरणगत परिवर्तन को शिक्षण कह जाए। 19 नंबर प्रश्न, अंधविश्वास को नहीं जो शिक्षण हुए ताहा क्यों शिक्षण तत्वर अंतर्भुक्त। ऑप्शन गुड़िक हला प्रजत्न प्रमाद तत्व, अनुबंधित अनुक्रिया, सी अंतर्दृष्टि तत्व, डी कौनसी नुहे। 20 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर है या कौन 19 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर है या अनुबंधित अनुक्रिया, बीटा हूँ ठीक उत्तर। 20 नंबर प्रश्न अभी देखा आम, निम्नोक्त मध्य क्योंटी अनुबंधित शिक्षण सह संबंधित नुहे। ए उद्दीपक, बी अंतर्दृष्टि, सी अनुक्रिया, डी अभ्यास। ताहले केउटी अनुबंधित शिक्षण सह संबंधित नुहे अंतर्दृष्टि, बीटा होची ठीक उत्तर। 21 नंबर प्रश्न, किए प्रथमे प्राथमिक शिक्षा को बाध्यतामूलक और सार्वजनीन करने निमित्त उद्यम करथिले। ऑप्शन गुड़िक हला ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपालकृष्ण गोखले, डी गोपबंधु दास। ताहले 21 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची गोपालकृष्ण गोखले, सीटा होची ठीक उत्तर। 22 नंबर प्रश्न, शिक्षार्थी प्राथमिक शिक्षार समय सीमा पूर्वरु जदि पाठ त्याग करे तेबे ताकु कोण कहाजिवो। ए पाठ त्याग, बी अपचय, सी आबद्धता, डी स्कूल त्यागी। ताहले ताकु कोण कहाजिवो पिले ताकु अपचय बोली कहाजिवो, बीटा होची ठीक उत्तर। 23 नंबर प्रश्न अभी देखिबा आमे, केउ मसीहारे कोठारी द्वारा शिक्षा कमिशन आरंभ कराइला, कोठारी कमिशन पिले ए 1952, बी 1986, सी 1968, डी 1964। ताहले 23 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर है डी 1964 रे कोठारी कमिशन आरंभ होइतिला। 24 नंबर प्रश्न, निनाद कार्यक्रमटी प्राथमिक शिक्षार
କେଉଁ ଉପାଦାନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏ ସଫଳତା ହାର, ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ଡି ରକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍। ତାହେଲେ ନିନାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପାଦାନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 1986 କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା, ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜ୍ଞାନ, ସି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରର ଉପକ୍ରମ, ଡି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିମାଣଗତ ବିକାଶ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପରିମାଣଗତ ବିକାଶ, ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁ ଧାରାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଏ 21, ବି 45, ସି 46, ଡି 21। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାକୁ 21 ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଧାରା ଅଧିକାର 21 ନମ୍ବର ଧାରାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 45 ଧାରାରେ କେତେ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି? ଏ 7-15 ବର୍ଷ, ବି 6-14 ବର୍ଷ, ସି 7-14 ବର୍ଷ, ଡି 7-11 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା, ବି 6-14 ବର୍ଷ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, DPEP ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଡି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, DPEP, ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବି 8 ଫେବୃଆରୀ, ସି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଡି 8 ଫେବୃଆରୀ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲେ, ସି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଉତ୍ତର ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବା ଆମେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, 1942, ବି 1947, ସି 1950, ଡି 1960। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ, 1950 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ତାହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସି ନିମ୍ନକ୍ରମ, ଡି ଉଚ୍ଚକ୍ରମ। ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସି ନିମ୍ନକ୍ରମ, ଡି ଉଚ୍ଚକ୍ରମ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସାରଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯେତେ ଥର ରହିଥାଏ ତାହା ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ? ଏ ବ୍ୟବଧାନ, ବି ପୌନଃପୁନ୍ୟ, ସି ସାରଣୀ, ଡି ସମ୍ଭାଗ। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆଉଛି ତାହାକୁ ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଚ୍ଚତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ନିମ୍ନତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ପୌନଃପୁନ୍ୟ, ବି ବ୍ୟାପକତା, ସି ସାରଣୀ, ଡି ମାଧ୍ୟମାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବ୍ୟବଧାନକୁ ବ୍ୟାପକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 90-94 ସମ୍ଭାଗର ମଧ୍ୟମାନ କେତେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏ 89.5, ବି 94.5, ସି 92, ଡି 92.5। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆସିବ ମଝିରେ, 92। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି 92। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।